प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने अलंकार की श्रृंखला को पढ़ा। अलंकार की श्रृंखला के बाद जो हमारे पाठ्यक्रम में है उनको पढ़ने के बाद हम लोगों ने छंद पढ़ा जो हमारे सिलेबस में थे, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छा आपको लगा भी है, आपके कमेंट से ऐसा लगता है। तो उसी से प्रेरित होकर के आज से ये रस की श्रृंखला शुरू होती है। आज से हम लोग रस को कंटिन्यू पढ़ेंगे। आज रस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और आपको जहां भी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अपने साथियों को बताइएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं रस। सबसे पहले आता है रस क्या है। तो किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वस्तु में जो रस होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैं हमेशा रस पढ़ाते समय एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि जैसे बेटा होता है कि गन्ने का रस जो होता है बेटा वो किसमें होता है, गन्ने में होता है। मौसम्मी का रस जो है वो मौसम्मी में होता है। जिसका जो रस है और वो कहां हो जाता है, अपने मूल भाव में, वस्तु में, स्थिति में, वो आत्मरूप से स्थित रहता है। जब हम काव्य के रस की बात करते हैं, जब हम काव्य में रस की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से काव्य में रस जो होता है, अगर पूछा जाए, अगर प्रश्न किया जाए कि काव्य में रस कहां पाया जाता है, तो क्या होता है भाई कि काव्य का जो शब्द और अर्थ है, काव्य दो चीजों से मिलकर के बना होता है, शब्द और अर्थ। तो शब्द में और अर्थ में एक आनंद की अनुभूति होती है, एक रस की अनुभूति होती है, उसे ही हम काव्य की आत्मा कहते हैं, उसे ही काव्य का सार तत्व कहते हैं। वही जो रस है उसी की प्राप्ति के लिए, उसी की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति, हर मानव परेशान है। जिस प्रकार से सुंदर संगीत सुन करके हृदय में भावनाओं का उद्वेग, भावनाओं का उफान निकल आता है, भक्ति के संगीत सुन करके भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, देशभक्ति के गीत सुन करके भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी जब भी आते हैं, उस दिन जो पूरे देश का, पूरे समाज का माहौल होता है वो अपने आप में विरला और आनंददायक होता है। आज हम लोग उसी रस की बात करेंगे, उसी रस के विषय में पढ़ेंगे। तो चलते हैं बेटा, रस की शुरुआत करते हैं। तो रस के विषय में आचार्य विश्वनाथ ने ये साहित्य दर्पण रचना में लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो काव्य की आत्मा है वह रस है, या ऐसा अब इसको अगर हम इस तरह से लिखें, इस तरह से कहें तो कोई गलत ना होगा कि काव्य को पढ़कर सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये चीज आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो काव्य की जो आत्मा है, काव्य की जो आत्मा है, जो प्राण तत्व है, जो सार तत्व है, वह रस है। ये दूसरे हमारे विद्वान हैं जिनका नाम भरत मुनि है, इन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की है,
इन्होंने बताया कि विभाव अनुभाव व्यम विचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस उत्पन्न होता है या प्रकट होता है या दिखाई देता है या निकलता है, ये इन्होंने रस की परिभाषा बता दी। अब रस की परिभाषा के विषय में मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। मैंने आपको भी बताया कि आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है कि किसी रचना को पढ़कर सुनकर देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा के विषय में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सबसे बड़ी बात यह होती है कि रस के अंग कितने होते हैं। जैसे कि यहां पे आपके सामने है, रस का पहला अंग है स्थाई भाव, दूसरा अंग है विभाव, तीसरा अंग है अनुभाव और चौथा अंग है संचारी भाव। इन्हीं चारों के विषय में हमको विशेष रूप से पढ़ना है। अगर इसको हम समझ गए, जान गए, तो क्या होता है फिर आगे की रस पढ़ने में, या आज का रस पढ़ने में, या आगे जितने भी रस पढ़ाए जाएंगे जो आपके सिलेबस में हैं, वो आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो अस्थाई भाव का काम है भाई, ये सदैव रहता है बेटा, स्थिर भाव से रहता है और क्या कह रहता है, कह करता है, ये सुसुप्त रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लें, जैसे उदाहरण के रूप में देख लें कि भाई क्रोध जो है या कोई भी क्रोध जो है वो हर व्यक्ति में हमेशा होता है, बात ये है। और फिर उसके बाद है विभाव। विभाव का मतलब है परिस्थिति बनाना, ऐसा वातावरण बनता है, ऐसी परिस्थिति बनती है, ये क्रोध जो है क्या होता है भाई, ये जागृत हो जाता है। तो विभाव का काम क्या है, विभाव का काम क्या है कि परिस्थिति बनाना, जो क्रोध है, जो हृदय के भाव हैं, जो रस हैं, ऐसा वातावरण बनता है, ऐसी परिस्थिति बनती है। जैसे मान लीजिए कि आप चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, आप चुपचाप पढ़ा ही रहे हैं, ये चीज हमेशा होता भी है क्लास में, आप चुपचाप पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा शरारत करता है, बीच में कोई अजीब तरीके की आवाज निकालता है। तो जब अजीब तरीके की आवाज निकालता है तो आपके मन में गुस्सा अपने आप प्रकट हो जाता है कि देखो न पढ़ता है न पढ़ाने देता है। तो जब ये समस्या आती है तो आप में क्या हो जाएगा, आपका जो ये क्रोध सुसुप्त है, जो शांति से आपका क्लास चल रहा है वो जाग जाएगा। फिर क्या होंगे, आप एक बार इवाइट करेंगे, चलो जाने दो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है, पढ़ाना। फिर क्या किया, अनुभव क्या किया, अब फिर उसके बाद भी उसकी क्रियाशीलता रुकी नहीं, वो जागृत हो गया, एक बार किया आप, फिर क्या किया, अब ये क्रिया जो वो क्या करने लगा भाई, फिर जब वो सोचा कि सर नहीं देख पाए हैं, सर नहीं देख पाए हैं, तो उसका कार्यक्रम क्या होगा, आप समझ सकते हैं, अपने आप बढ़ने लगेगा, उसकी गति बढ़ने लगेगी। और जब अपनी गति बढ़ने लगेगी तो जो आपका गुस्सा जागृत हुआ है ना बेटा, ये क्या कर देगा, वो क्रियाशील कर देगा। क्रियाशील करने का मतलब डांटेगा, डपटेगा, एक आध थप्पड़ मार भी सकता है, या क्लास से बाहर कर सकता है, या गार्जियन को बुला सकता है, जो भी उस समय की परिस्थितियों पर जो भी डिपेंड करेगा, वो टीचर विशेष पर डिपेंड करेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया है, क्रिया कर दिया है। जब गुस्सा बिल्कुल क्या होता है, एक बार वो जागृत होता है, फिर क्रिया करता है, और जब ये क्रिया, एक क्रिया लगातार चलती रहती है, क्या करती है भाई, एक क्रिया लगातार चलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कहें कि अब तुम बाहर रहो, अब जब गार्जियन को लेकर के आना तभी आना, बार बार बच्चा कहता है कि नहीं सर अब गलती नहीं करेंगे, अब आने दीजिए, पढ़ने दीजिए, लेकिन टीचर बिल्कुल उसी पर अडिग रहता है कि नहीं तुम बाहर रहो, गार्जियन आएंगे तभी बात होगी। उसका जो उसकी जो क्रिया है वो एक है, स्थिर है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, वो कहलाएगा आपका अनुभाव, वो अनुभाव कहलाएगा कि क्रिया स्थिर है।
अब क्या हो गया, आप पढ़ा चुके, मान लीजिए कि आप पढ़ा चुके, अब फिर क्या हो गई, अब वो बच्चा चुपचाप खड़ा हुआ है, क्या किया है उसने, वो चुपचाप खड़ा हुआ है और आपसे बार बार ये कह रहा है, आप क्लास छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे चलो अच्छा आज से ऐसा मत करना, हाँ सॉरी बोलो, चलो भाई क्रिया बदल गई, सॉरी बोल दिया या नहीं बोला, फिर कहा कि जाओ प्रिंसिपल से या मैडम से मिलकर के आओ, सर से मिलकर के आओ, या गार्जियन को बुला के लाओ, या जब वो या करने लगे, माने एक नहीं कर सकते तो दूसरा करने लगे, दूसरा नहीं कर सकते तो तीसरा करने लगे, जब उसकी क्रियाएं लगातार बदलने लगे, तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है संचारी भाव। और संचारी भाव क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, वो बदलते रहते हैं, क्योंकि हर एक क्रिया के बाद जब वह क्रिया नहीं हो पाती, वह कार्य नहीं हो पाता है, तो हम उसको दूसरी क्रिया से जोड़ते हुए चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चार चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये चारों चीजें आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन लगता है तो निश्चित रूप से बताइएगा जरूर। और उदाहरण भी मैंने आपके जीवन से संबंधित दिया है, आपके साथ जो बीतता है, जो घटता है, उसका दिया है कि जिससे आपको समझने पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, अब चलते हम लोग आगे, फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो हम लोग उस पर बात करेंगे। अब ये आ गया देखो, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस इसका अस्थायी भाव है हास, करुण रस इसका स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस इसका स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस इसका स्थायी भाव है उत्साह। इस तरह से देखते चलेंगे तो भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निर्वेद और वात्सल रस वात्सल। ये तो हो गए हमारे रस। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कौन कौन से रस पढ़ने हैं, हमको कौन कौन से रस पढ़ने हैं, क्योंकि आप जरूर निश्चित रूप से पूछेंगे कि हमको सर कौन कौन सा रस पढ़ना है, तो हम लोग उसी रस को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है और इस साल के सिलेबस में है, 70% सिलेबस में है, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि कक्षा 11-12 सामान्य हिंदी 2021-22 यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर और शांत रस का अध्ययन निर्धारित किया गया। हम लोगों को कितने रस पढ़ना है बेटा, 5 रस पढ़ना है, और 5 रस में से एक रस आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग आज देखिए कौन सा रस पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वीर रस। अब वीर रस की परिभाषा, अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है, एक मतलब लिखी हुई परिभाषा है। अब इसको देखिए, दो चीजें होनी चाहिए, जैसे हमने अभी आपको बताया, हमने आपको अभी बिल्कुल से बताया, क्या चीजें बताई हमने, बताया भाई रस के चार अंग होते हैं, पहले होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। ठीक है ना, तो हम सीधी सी बात जानते हैं, हमने तो आपको सदैव से सामान्य हिंदी के बच्चों को और इंटर के बच्चों को एक आसान सी कॉमन सी परिभाषा लिखाने की कोशिश की है, और वो अच्छी भी है, अच्छी इसलिए है कि आपको ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की जरूरत है, जितने कम शब्दों में और जितने आसानी से आपको समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बात वही होती है। तो इसको क्या करना है भैया, चारों जब भी मिल जाएंगे, चारों जब भी मिल जाएंगे, अब कहां से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से अस्थाई भाव की प्राप्ति हो जाएगी, वही क्या कहलाएगा भाई, आपका जो अस्थाई भाव होगा, अगर उत्साह अस्थाई भाव होगा तो वीर रस होगा, अगर शोक अस्थाई भाव होगा तो करुण रस होगा, अगर श्रृंगार अस्थाई भाव होगा
तो रति होगा, और ये अस्थाई भाव और रस का नाम ये आपको याद करना पड़ेगा, किसका कौन सा अस्थाई भाव है, क्या रस का नाम है, ये आपको पूरी तरह से याद करना पड़ेगा। बिना इसको याद किए हुए आप फिर परेशानी में फंस सकते हैं। अगर विभत्स रस है तो उसका स्थाई भाव क्या है, जुगुप्सा है। अगर शोक स्थाई भाव है तो शोक किस रस का स्थाई भाव है, करुण रस का शोक स्थाई भाव है। श्रृंगार है तो उसका स्थाई भाव क्या है, रति है। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल से याद कर लेना है, प्रत्येक रस का नाम और उसका स्थाई भाव हम तो सबको कहेंगे। और अगर सबको नहीं याद कर सकते हैं तो जितना है, जैसे श्रृंगार का क्या है, रति है, ये हमको पढ़ना है भाई। करुण का क्या है बेटा, शोक है, ये हमारे सिलेबस में इसको पढ़ना है। हास्य क्या क्या है, हास है ना, इसको हमें पढ़ना है। वीर का क्या है, उत्साह है, इसको हमको पढ़ना है, ये भी याद करना है। शांत का क्या है, शांत का निर्वेद है, शांत का निर्वेद है, या शांत ही कह सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि रस का नाम दूसरा लिख दें, अवस्थाई भाव दूसरे का लिख दें, तो जिससे कभी एग्जामिनर जब उस पर देखे तो कह देगा अरे भाई ये तो दुनिया में सबसे विचित्र है, कहीं ऐसी घटना, कहीं ऐसी परिस्थिति न बन जाए। इस चीज को अच्छी तरह से देखना है, समझना है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। हमें विश्वास है कि आपको परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। पहला उदाहरण है आप लोगों की क्लास के है, साजि चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, और सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। अब देखिए ये क्या है, अस्थाई भाव शिवाजी के हृदय का उत्साह, उनकी सेना का उत्साह। अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव मैंने वो कहा कि जो अस्थाई रूप से पाया जाता है उसको अस्थाई भाव कहते हैं। अब क्या है, आलंबन उद्दीपन, ये क्या है, विभाव है। विभाव के दो भेद होते हैं बेटा, आलंबन और उद्दीपन। तो ये क्या है, अगर हम इनको एक में भी कर लें तो युद्ध की जीतने की इच्छा और नगाड़ों का बजना। आलंबन क्या, सहारा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, शिवाजी के मन में जो उत्साह आया है वो उत्साह आने का कारण क्या है, और वो कारण है इच्छा। और उत्साह बढ़ता क्यों है, जब वो बाजे बजते हैं। उसके बाद क्या है, अनुभव क्या है, हाथियों का मद बहना, मद माने मद जल, मद माने मद जल, मद जल क्या होता है, हाथियों के मस्तक से चूने वाला बहने वाला एक पदार्थ होता है बेटा, एक क्या होता है, पदार्थ होता है, बहुत बच्चे इसको नहीं जानते हैं हाँ। और ये पदार्थ कैसा होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। और संचारी भाव क्या है, उग्रता। उग्रता का मतलब कभी जय घोष लगाएंगे, कभी नगाड़े बजाएंगे, कभी नाचेंगे, कभी चिल्लाएंगे, कभी जय जयकार करेंगे आदि की बात है। ये आपको देखने में मिलता है, ये एक अनुभव भी कर सकते हैं कि अगर युद्ध के लिए सेना जा रही है या कहीं कोई रैली ही है तो आप देखेंगे कि किस किस तरह की, चाहे किसी की भी रैली हो, वहां पे जयकार होगी, लोग उत्साह में आएंगे आदि आदि बातें देखने को मिलती हैं। फिर क्या कह दिया, दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण है। देखिए अभी मैंने जब रस का ये मैटर टाइप करवा रहा था तो मैंने एक दो तीन में ये उदाहरण को बिल्कुल, और उसका जो अस्थाई भाव है, विभाव है, आपको सबको बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आगे से नहीं, आगे आपको खुद देखना है, खुद समझना है, जहां पे प्रॉब्लम आएगी उसको बताना है। और पहली चीज ये है कि एक उदाहरण याद करके आपको और ये अस्थाई भाव लिख देना है, आपका पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो नंबर मिलने हैं वो 100% मिल जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
तो कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, और यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, घी में न जीतेंगे समर में आज मुझसे वे कभी। हाँ, तो कह रहे हो क्या है अब ये है अभिमन्यु की बात है। अभिमन्यु को जानते होंगे जो महाभारत के एक पात्र हैं। क्या है बेटा? महाभारत के पात्र हैं। और द्रोणाचार्य ने अर्जुन की अनुपस्थिति में क्या किया, चक्रव्यूह की रचना की थी। तो उसी समय का इसमें वर्णन है। अस्थाई भाव क्या है भाई? ये हमेशा उत्साह होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आलंबन क्या है? द्रोण आदि कौरों, भाई द्रोणाचार्य ने क्या किया था, चक्रव्यूह की रचना की थी और कौरों ने इनको युद्ध के लिए ललकारा था। संचारी भाव क्या है? हर्ष, गर्व और हर्ष है। और ये आश्रय क्या है? अभिमन्यु है। अभिमन्यु ही सहारा है उस युद्ध को तोड़ने के लिए और इस रस को जागृत करने के लिए। अब अनुभव क्या है? अभिमन्यु के वचन है, उनकी वाणी है, जो उनकी वीरोक्ति है, वो जो क्या कहलाती है, उनका अनुभव कहलाएगी। तो मुझे अब लगता है कि आपको कहीं पे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और अगर होती है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है, किसी तरह का कहीं भी संदेह आता है, तो बिना डरे, बिना झिझक के, बिना शर्म के और सारी चीजों को एक किनारे करके आप उस चीज को बताएंगे कि हाँ सर, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है और अपने आप पर थोड़ा विश्वास है, आप पर पूरा विश्वास है कि मैं कि बहुत पढ़ाऊं। और अगर आप लोगों का मन उसमें ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से देखेंगे, और जब ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप कहते हैं कि ये निकसत म्यांते मयूखे प्रलय भान कैसी और फारे तमतोन से गयनंदन के जाल को। क्या हो गया भाई? ये भी शिवाजी की बात है, शिवाजी महाराज की बात है, ठीक है ना। अब देखते हैं अस्थाई भाव क्या। अस्थाई भाव बेटा हमेशा क्या रहेगा? उत्साह रहेगा, क्योंकि वीर रस है ना। अस्थाई भाव हमेशा। और विभाव क्या रहेगा? विभाव है युद्ध की स्थिति। क्या है? युद्ध है, उसके कारण बना हुआ है। अब क्या है? दुख। और अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या है भाई? उनकी तलवार है ना। और कैसी तलवार है भाई? सूर्य के समान तेजस्वी तलवार है, सूर्य के समान तेजस्वी तलवार जो है उनका, ये आलंबन है। और फिर क्या हो गया है? शत्रुदल क्या है? शत्रुदल भी कह सकते हैं वहां पे। और संचारी भाव कह सकते हैं बेटा, संचारी भाव जो है कि तलवार को निकालना, सूर्य के समान चमकाना है, और हाथियों के समूह को नष्ट करना। ये क्रियाएं कभी निकालते हैं, सूर्य के समान चमकती है, अंधकार को नष्ट करने वाली है, ये क्या हो गया? ये हो गया संचारी भाव। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से समझ में आएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं कि लपट लगत लपट कंठ वैरिन के नागन से और रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। ये भी वही तलवार की बात है। तो तलवार शिवाजी, शिवा सौर्य से ही है, शिवाजी के विषय में है, उनके भाई उत्साह है और उनकी जो है तलवार जो है, जो तलवार क्या है? तलवार क्या है भाई? तलवार है उनका जो है विभाव,
और अनुभव है, और उनका जो है सर को कलम करना ना, और अगर उसमें भी आलंबन उद्दीपन करते हैं तो आलंबन कौन है, शत्रुदल है, उद्दीपन कौन है, क्या कहते हैं उनका उद्दीपन क्या है, युद्ध की स्थिति जो है वो है, और उनको सर, उनके सर को काटना वो उनका लक्ष्य है। और इसी तरीके से आलंबन उद्दीपन को अगर हम किनारे भी रख देते हैं तो हमें चार चीजें प्रमुख रूप से देखना होगा। पहला देखना है बेटा अस्थाई भाव, दूसरा देखना है विभाव, तीसरा देखना है अनुभाव, और चौथा देखना है संचारी भाव। इन चारों को हमें लिखना ही लिखना है, अगर हम इन चारों को नहीं लिखते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारी परिभाषा अधूरी है। परिभाषा देखिए, मैंने एक बार आपको ऊपर बता दिया है, जब भी शुरू में एक नंबर पे परिभाषा बताने के बाद फिर ये आपका चौथा उदाहरण है। और अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है, कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो निश्चित रूप से बताइएगा, और केवल एक दो उदाहरण याद कर लीजिए जो आपको समझ में आए। ये भी शिवा सौर का है ना, ये भी शिवा सौर का ही उदाहरण है कि लाल छिटीपाल छत्रसाल महाबाहुबली, और कहां लव बखान करो तेरी करवाल का। करवाल का मतलब फिर यहां क्या होता है भाई, तलवार होता है, तलवार। करवाल का मतलब क्या होता है, तलवार का जो शौर्य है, तलवार की जो शक्ति है, तलवार की ये क्षमता जो है उसको कहां तक कहें। इसमें सब शिवाजी से ही है, आगे चलते हैं। आगे यहां भी वही है शिवा, अब यहां से जो है ये राणा प्रताप के विषय में है ना, आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा। अब शिवाजी से हट करके हम लोग राणा प्रताप पर आ गए हैं, और राणा प्रताप की आप लोगों ने कविता सुनी होगी, बहुत फेमस, छोटी छोटी क्लास में थी, मुझे तो आज भी याद है, और बहुत अच्छी सी एक चार लाइनें मैं आपको बता देता हूं, बहुत अच्छा लगता था मुझे। वो चार लाइनें हैं, किरण बीच चौकड़ी भर भर कर, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से, राणा प्रताप के घोड़े से, पर गया हवा का पाला था, पर गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा था अरिमस तक, वह दौड़ रहा था अरिमस तक, पर आसमान का घोड़ा था, पर आसमान का घोड़ा था। इसमें भी बेटा देखो वीर रसी है, इसमें भी वीर रसी है। अस्थाई भाव उत्साह, जो मैंने अभी पढ़ा है इसकी बात नहीं करें, जो लिखा है, जो पढ़ा है उसकी बात कहते हैं। अस्थाई भाव क्या है, उत्साह, और क्या है, शत्रु का उपस्थित होना, शत्रु दल के लिए आक्रमण कर देना, वो क्या था, अनुभव। विभाव क्या है, शत्रुओं को कूटना, काटना, मारना, पीटना। संचारी भाव ये है, कभी पैरों से रौंद देना, घोड़े के पैरों से टाप से रौंद देना, कभी तलवार से मार देना, ये हो गया संचारी भाव। तो इतना कुछ बताने समझाने के बाद, इतना कुछ बताने समझाने के बाद मुझे आज नहीं लग जा, आज नहीं ऐसा लगता है, या मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या करता था भाई, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। क्या करता था भाई, पहला क्या हो गया, पहला तो अस्थाई भाव हो गया, पहला हो गया क्या, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होगा, उत्साह होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो जाएगा विभाव, विभाव क्या होगा भाई, युद्ध ना, युद्ध, शत्रु, ठीक है।
और अनुभाव क्या हो जाएगा? अनुभाव क्या करता था भाई? अरे सिर काटना, घोड़े पर चढ़ना, हाँ घोड़े चेतक पर, चेतक लिख देते हैं, चेतक का दौड़ाना, हाँ ये क्या हो गया? और यहां पे क्या है, अनुभाव क्या है भाई? वो कभी चेतक पर दौड़ता था और कभी क्या करता था, अपनी युवावस्था को, अपने शौर्य को, उसको सफल बनाता था। कभी क्या है, पृथ्वी पानी कर देना का मतलब क्या है, सारा संसार, सारे संसार के जितने शत्रु हैं सब खत्म हो गए भाई। बिल्कुल समझ लो कि उनके लिए धरती का कोई कोना, कोई छोर नहीं रह गया है। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे आते हैं। अब ये देखिए, ये किसके, इसकी किसकी लाइनें हैं? अब ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसमें लक्ष्मीबाई का वर्णन है। इसका भैया आप लोग बताएंगे, बहुत आपने पढ़ा है ना, इस पाठ को आपने पढ़ा है, निश्चित रूप से पढ़ा है। और ये लाइनें तो कक्षा 10 में नहीं है, लेकिन कक्षा 10 में एक चिर समाधि या चिर समाधि नाम का एक है, झांसी की रानी का है वो, कि उसमें से कुछ मिलती है, वो लाइनें नहीं है, लेकिन ऐसा ही वर्णन वहां पे कक्षा 10 के बुक में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में देखने को आपको मिलेगा। एक टॉपिक है और वो टॉपिक है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, ये लाइनें हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, और जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इस तरीके से वहां लाइनें लिखी हैं। लेकिन ये बुंदेलो हर बोलो की मुख, ये तो हमको लगता है छोटे क्लास में 5, 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी, और ये बहुत फेमस भी है, बहुत प्रसिद्ध भी है, इसका भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो इसमें कौन है भाई, उत्साह जो है कौन है, अस्थाई भाव उत्साह, विभाव कौन है, लक्ष्मी बाई है, और क्या है उनकी वीरता है, उनका शौर्य है, और अनुभाव क्या है, अनुभाव क्या है उनका, अंग्रेजों से लोहा लेना, लड़ना, युद्ध करना, ठीक है ना, और क्या है कि उनका जो शौर्य है, उनकी उनकी जो संचारी भाव है, घोड़े से चढ़ना, दौड़ना, हाँ युद्ध करना, और उनकी कहानी सुनना, उनके उनकी प्रसिद्धि, उनका यश, उनकी कीर्ति। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला है। अब देखिए कि मानव समाज में अरुण अरुण पड़ा, जल जंतु बीज हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राजा था मन सर्पों में गरुण पड़ा। क्या है ये है भैया, एक आध आपके लिए भी छोड़ देते हैं, नहीं आप लोग कहोगे कि सब बता देते हैं, आपको इसमें बताना है, इसमें आपको चार चीजें लिखना है, देखते हैं कौन लिखता है। और जो भी लिखेगा बेटा, जो भी लिखेगा उसका नाम अगली क्लास में बताया जाएगा, विभाव अनुभाव, अस्थाई भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों चीजें आपको लिखना है, ये चारों चीजें आपको लिखना है कि क्या विभाव है, क्या अनुभाव है, क्या संचारी भाव है। अगर इस ये पद्धति मैंने पिछले भी जब क्लास पढ़ाए थे रस छंद में, तो इसी तरह से मैं एक एक दो दो उदाहरण आपको छोड़ता चला था, और आप लोगों ने उसमें कमेंट किए हैं, मैंने देखा है, मैंने देखा है, तो मुझे अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने उसको जो है कंप्लीट किया है, और कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि बिना आपके सहयोग के कोई काम हो नहीं सकता है। तो उसी तरह से आप लोगों से पूरी तरह से ये मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका बिल्कुल से करेक्ट उदाहरण दे करके अच्छी तरह से आप एक एक किसी क्रम से लिख करके, अस्थाई भाव कहाँ है, विभाव कहाँ है, अनुभाव कहाँ है, संचारी भाव कहाँ है, निश्चित रूप से लिखेंगे और लिखना चाहिए। अब क्या है कि क्रुद्ध दशानन 20 भुजन सौ लय कप रिद्ध आनी
सर भट्ठत लक्षण तक्षण रक्त किए दृग बक्ष विपक्षण के सिर कट्टत। ये युद्ध का है बेटा ना, ये युद्ध का वर्णन है। यहाँ पे क्या है, दशानन का क्रोध है, दशानन का क्रोध। अभी तो मान लीजिए अस्थाई भाव भाई क्या है, अस्थाई भाव उत्साह होगा ही, चाहे जो भी है। दशानन का क्रोध जो है वो विभाव है, और क्रोध के बाद फिर क्या है, उसको भुजाओं में लेना, पटकना, छोड़ना, वो क्या है, वो क्या है, विभाव अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है, कभी पटकना, कभी लेना, कभी छोड़ना, कभी रक्त बहना, ये क्या है, ये संचारी भाव है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ये है कि ये आप देख रहे हैं आपके आपके सिलेबस के कक्षा 12 में, ये आपकी बुक में छिपा हुआ है कक्षा 12 में। क्या है ये, उर्वशी, उर्वशी नाम की एक जो है रचना है, और वो उस किसने लिखा है भाई, दिनकर जी ने है, लास्ट पार्ट है कक्षा 12 में। तो वहां का ये उदाहरण है कि सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, और भाग सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, और ये यहां पे गलत है, कुंडली मारे समय का ब्याल यहां पे है, मेरी बांह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, यह है कांपता है, ये कांपता लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, याद आ गया, कांपता कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। यहां क्या है, यह किसका उत्साह है, उर्वशी के मन में भैया उत्साह है ना। अब क्या है, अब क्या क्या होता है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, और कुंडली मारे समय का, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। तो उसका जो बल है, उसकी जो उसकी जो वीरोक्ति है ना, वो क्या है, उसका अस्थाई भाव, उसका सौंदर्य जो है, उसका सौंदर्य क्या है, वो विभाव है। और क्या है, उसकी उसके जो अधीन है संपूर्ण संसार, सब पर विजय प्राप्त करती है, वो क्या है, वो क्या है, विभाव के बाद अनुभव हो गया। और संचारी भाव क्या होता है भाई, पर्वत डोलता है ना, डोलना, कांपना आदि आदि क्या हो गया, वो संचारी भाव हो गया ना। तो इस तरीके से या यहाँ पे जो है क्या भाई, कांपता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम हटा देते हैं, चलते हैं फिर आगे आते हैं। और आगे आते आते हम लोग वहां तक आ गए हैं कि जहां तक आपको, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे कोई समस्या कोई प्रॉब्लम रह गई होगी। अगर रह गई है, अगर समझ में नहीं आया है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से बताएंगे, कमेंट करेंगे, और मुझे विश्वास है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और आना चाहिए। फिर भी आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ओके, थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।